नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों, जो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि अपन कुछ बर्तन बाज़ार से कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे जो कैंपिंग के लिए जो बर्तन आते हैं जिसमें एक ही में सारी चीज़ें आ जाती है, तपेली भी बन जाती है, गिलास भी बन जाता है, लेकिन वो अपने को मिला नहीं। तो अपने को ऑनलाइन बुलवाना पड़ेगा या मैं डिकैथलॉन पे और देख लूँगा। और इसके पहले जो मैंने कुछ अमेजन से प्रोडक्ट बुलवाए थे जिसमें कैंपिंग गियर्स थे मेरे, तो आज मैं वो निकाल के बैठा हूँ, उनकी टेस्टिंग करते हैं कि वो चालू है या नहीं है। जिसमें मैंने ब्यूटन का गैस सिलेंडर था और स्टोव बुलवाया था, तो वो सब मैं निकाल के बैठा हूँ, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो चालू है या नहीं। ये देखो आप कैसे धुलो हुई है। ये मैंने नी गार्ड और हैंड गार्ड रखे हुए हैं, क्योंकि राइडिंग जैकेट आने के बाद में अपन ने हैंड गार्ड का यूज़ नहीं करा। नी गार्ड तो फिर भी मैंने पहन लिए थे। और चलिए निकालते हैं इनको, दिखाता हूँ आपको कि अभी गैस चूल्हे की क्या स्थिति है, सिलेंडर भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो क्या क्या है अपने पास में, ये देखो ब्यूटन के तीन सिलेंडर अपने पास रखे हुए हैं। एक सिलेंडर भी निकाल लेते हैं और अपने उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये भी चेक करना है कि इसकी एक्सपायरी तो नहीं निकल गई, क्योंकि एक्सपायरी का भी कुछ तो रहता होगा इसमें। अपने घरेलू गैस में आता है तो इसमें भी कुछ ना कुछ रहता होगा। ये मेरे पास एक गाड़ी का ये है, ये भी लगवाना है एक्सीलेटर इसमें, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। और ये आ गया अपना चूल्हा, ये है अपने पास पॉलिथीन पैक करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ अपने का विशेष नहीं है, एक केलन की पड़ी है पता नहीं किस चीज़ के लिए वो। तो चलिए दोस्तों, तो ये ब्लू टेक करके है जो गोप्रो को वाटर प्रूफ करने के लिए, इसकी बहुत ज़रूरत है अपने को, उसको भी करता हूँ मैं आज गोप्रो भी वाटर प्रूफ कर लेंगे अपन, ठीक है। इसको हटाता हूँ। ये ब्यूटन का गैस सिलेंडर, इसकी एक्सपायरी तो नहीं निकली, इसमें देखो भाई एक्सपायरी लिखी है क्या दोस्तों? एक्सपायरी तो ऐसी कुछ लिखी हुई नहीं है इस पे। वेरी फॉर्मल कंटेंट्स 500 ml 250 ग्राम, नहीं दोस्तों इस पे कहीं भी किसी भी तरह की एक्सपायरी नहीं लिखी है। चलिए चालू करके देखते हैं, गैस चूल्हा निकालते हैं अपना और सबसे पहले टेस्टिंग कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हम अब जहाँ भी घूमने जाएंगे तो वहाँ नाश्ता खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, तो एक नए एडवेंचर पे लेके चलेंगे आपको। तो दोस्तों, ये चूल्हा निकल गया अपना और ये सिलेंडर ब्यूटन का, और इसको कैसे खोलना है, ये खुल गया, इसके नीचे के पैर भी खुल जाएंगे 1 2 3 4। और ये लाइटर इसी में दिया हुआ है, अब अपने को इसको निकालना है और इसको लगाना है। ये देखो यहाँ पे इसका सिस्टम दे रखा है लगाने का, ये जो क्रॉस है क्रॉस को मिलाना है, इसके अंदर ये जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर, अरे यहाँ दोनों तरफ का जाना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये कि यहाँ पे इसको क्रॉस करना है। ये हो गया, अब मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा गैस खोला, जल गया ये। तो दोस्तों, अपने गैस चूल्हा तो अपना तैयार हो गया। ये देखो 355 फ्लेम तक जा सकता है, उसको बंद कर देते हैं। तो चलो, ये तो अपना रेडी है। और अब अपने आज कुछ प्रोडक्ट भी लेके आया हूँ मैं, क्योंकि इसके पहले जब कैंपिंग करने का प्लान बनाया था तब मैं कुछ लेकर आया था, लेकिन वो मैंने यूज़ भी किए। तो क्या क्या लेकर आ गया हूँ वो भी बताता हूँ आपको, हालांकि थोड़े बहुत ही प्रोडक्ट मैंने लिए हैं। ये सेव, इंदौर के लोग सेव तो ज़रूरी है अपने, मैगी में भी सेव डाल के खाते हैं अपन। ये तो सूप के पैकेट लिए हैं मैंने, रेडीमेड सूप है, सिर्फ गर्म पानी करके इनको बनाना है। ये अपना पिचकू किसान टोमेटो केचप, और ये है अपन ने मैगी के पैकेट। टूरिंग पे एडवेंचर पे सबसे ज़्यादा यही खाया जाता है। तो अगर मैं सिंगल रहूँगा तो फिर ये एक एक पैकेट आटे वाले वेजिटेबल्स वाले बना लेंगे, और अगर ज़्यादा रहें लोग या अपने साथी लोग भी रहें कुछ, तो ये वाले बना लेंगे। तो दोनों ऑप्शन है अपने पास में, है ना। फिर अपन ने ले लिया स्पेशल मैगी मसाला, क्योंकि अपन थोड़ा सा तीखा खाते हैं और चटपटा खाते हैं, तो ये भी अपना हो गया। अब चाट मसाला और जीरावन वगैरह कुछ सामान है वो अपन घर से रख लेंगे, और उसके लिए अपने पास में ये है प्रोडक्ट। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही बुलवाया था,
और ये जैसे आपकी कोई खुली हुई थैली रहती है तो आप उसको बांधने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ये थैली है तो ये करा और ये लॉक लगा दिया तो उसका मुंह बन जाता है, वो आपका कोई प्रोडक्ट उसमें से गिरेगा नहीं। तो अब ये जो सामान अपन ने पिछले साल बुलवाए थे 2020 में, वो सब अब काम में आएंगे। कारण आप जानते हो कोविड काल रहा तो कहीं हम जा नहीं पाए और पूरा समय हमारा ऐसे ही चले गया। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आप वीडियो देखते रहिएगा और बस इसके बाद वाला जो ब्लॉग है कोशिश करूँगा कि वही आपको इस तरह के एडवेंचर वाला दिखेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जैसे कल संडे है और मैं कल सोलो राइड पे जाने का प्लान बना रहा हूँ, अभी अगर मुझे कुछ विशेष काम नहीं आया तो कल की सोलो राइड रहेगी। तो इसका जो अगला ब्लॉग आप देखोगे वो मिस मत करना, और रोज़ सुबह 5 से 6 बजे के आसपास मैं ब्लॉग डाल देता हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है आपकी तो आपको जल्दी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं है ना ब्लॉगर है जो इस तरह से सुबह जल्दी ब्लॉग डाल रहा हो। 7-8 बजे के बाद बहुत सारे लोगों के ब्लॉग आते हैं, इसका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ना मैं किसी को कॉपी भी नहीं कर रहा। सुबह इसलिए कर रहा हूँ मैं कि कई लोग रहते हैं जिनकी नींद जल्दी खुल जाती है या जो लेट नाइट काम करते हैं, तो मैं खुद भी पिछले कई दिनों से रात में जाग रहा था तो मैंने देखा कि यार इस तरह सुबह सुबह ब्लॉग्स मिलते नहीं है लोगों को, मतलब नया मटेरियल नहीं मिलता है, सब पुराने ही रहते हैं। और दिन भर जब आदमी को समय रहता है वो दिन भर में देख लेता है, तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको नया मटेरियल दें और सुबह जल्दी दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मिस मत करना अगला वीडियो। आपका दिन शुभ हो। My name is Lakhan.